जी जन्मदिन करता है, केक का ऊपर हनुमान जी का सभी अंकन प्रतिमा को अंकन करता है, फिर ब्लेड से उनको काटते हैं खाने के लिए। हनुमान जी क्या खाने का चीज है? और अब खुद बोलता है मैं हनुमान भक्त हूं। एक छत्तीसगढ़ में महादेव को ऐप में ले आते हैं और यहाँ कमलनाथ जी हनुमान को केक में लेके आते। इलेक्शन आता है वो समय जो हिंदू हो जाता है, वो लोग का बात आप लोग छोड़ दीजिए, वो लोग का पीछे पड़ेगा तो कोई रास्ता हम लोग को दिखाई नहीं देगा। आज आप देखिए कमलनाथ जी जन्मदिन करता है, केक का ऊपर हनुमान जी का सभी अंकन प्रतिमा को अंकन करता है, फिर ब्लेड से उनको काटते हैं खाने के लिए। अरे क्या हनुमान जी खाने का चीज है? क्या हनुमान जी क्या खाने का चीज है? और आप खुद बोलता है मैं हनुमान भक्त हूं। भाई अगर आप हनुमान भक्त होता था, जन्मदिन कोई हनुमान मंदिर में जाके प्रार्थना करता था, और यही हनुमान भक्त होता है, कहां इंग्रज का के और कहां हमारा भारत का हनुमान। आप लोग कंपेयर करके देखिए, यही है कांग्रेस का। अभी हमारा भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में एक महादेव ऐप निकाला है, वो कोई बेटिंग ऐप जहां के 500 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। मैंने छत्तीसगढ़ में परसों दिन बोला, अरे कोई ऐप निकालना ही था, भूपेश ऐप बना देता था, हिमंत ऐप बना देता था, क्यों महादेव को पकड़ के ले आया ये सब काम में? एक छत्तीसगढ़ में महादेव को ऐप में ले आते हैं और यहाँ कमलनाथ जी हनुमान को केक में लेके आते हैं। आप देखिए यहाँ हनुमान जी को केक में लेके आते हैं। मैं कमलनाथ जी को मिला नहीं बहुत दिन, मिलने से मैं बोलूंगा कि आपको अपना हनुमान भक्त दिखाना ही है, तब दूसरा काम कर सकता था। क्यों केक में तो कई कोई केक में अंडा भी होता है, हनुमान तो निरामिष होता है कंप्लीटली, आप जाके हनुमान को केक में उठा लिया। तो ये सारे जब आप किसी को नकल करने जाते हो गड़बड़ी हो ही जाएगा। आप नकल करने का कोशिश मत करो, ओरिजिन बनो ना। 2018 सन का पहले कभी किसी ने सुना था कमलनाथ जी और हनुमान जी का बारे में? कोई दिन वो हनुमान मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन अब जब उनको लगा कि देश में हिंदू को अपमान करके अभी और कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, तब वो लोग हिंदू बनने का नाटक शुरू किया।